मम्मी का और मेरा जरा चक्कर था उसका तो लिहाज रख बेटा जब ये जंगली भालू गांजे की दो पुड़िया पे आने वाली लड़कियों के साथ खूद बिलाव रीले नहीं बना रहा होता तब ये जाता है लाइमलाइट की तलाश में कैरी नहीं पूरा दशहरी आमू बता चूसे का गुटली मेरी ए, ए। आप इसके बेटे हो अब्बू जान हर्ष अब जान। <laughs> अब जान। अब जान। बनीवाल यार तेरी बहन वो मिलिन की की बीवी मेरे साथ ओयो में में पकड़ी गई जिस उम्र उम्र कर रहे हो आप उस में मैं हूं। तो मैं कितना ब्रूश <laughs> मैं पूछना चाहूंगा एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग के फाउंडर से क्या इतना प्रेशर है कि आपको ये नहीं दिखता कि किसको कोई प्लेटफॉर्म देना और को है और किसको नहीं यूट्यूब कम्युनिटी में कुछ ऐसा द्वंद चल रहा है आज कल के टाइम पे जिसको संभालना बड़ा जरूरी है संभाल नहीं रहे क्योंकि जहां यूट्यूब कम्युनिटी थी वहां तो ठीक था अब यूट्यूब कम्युनिटी के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो जुड़ गए हैं और कुछ गुंडे भी जुड़ गए हैं वहां बात थोड़ी सी अलग सतह पे जानी शुरू हो गई कोई भी आता है कंटेंट बनाना शुरू कर देता है इंस्टाग्राम यूज करना शुरू कर देता है यूट्यूब यूज करना शुरू कर देता है और उसके बाद होता क्या है? मैं आज एक कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात करना चाहूंगा यूट्यूब के कुछ बहुत पॉपुलर क्रिएटर्स हैं प्लस सोशल मीडिया के कुछ इंफ्लुंसर्स हैं और कुछ गुंडे हैं उनके बीच में ये द्वंद्व चल रहा है और इस कॉन्ट्रोवर्सी के कुछ हिस्से हैं कुछ स्टेजेस है कुछ सीक्वेंस है, है जो मैं आपको सामने दिखाऊंगा और उसके बाद यह बताऊंगा कि कई बार क्या होता है जब आप कीचड़ में अपना पैर रखते हो तो कीचड़ आपके ऊपर आता है कई बार जब दलदल में आप घुसने की कोशिश करते हो तो वहां घुसने के बाद निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो बात कुछ ऐसी है कि कुछ टाइम पहले कैरी मैनाटी को सॉरी बुलवाई गई एजाज खान के द्वारा बिल्कुल ऐसे जैसे कोई गुंडा करता है और उस गुंडागर्दी को उसने ऐसा जताया कि दिस इज़ माय एटीट्यूड बिकॉज उसके इस गुंडे पने को कुछ लोग पसंद करते हैं और इसलिए लिए एजाज़ ख़ान को फॉलो करते हैं पर एजाज खान को शायद ये समझ नहीं है कि जो गुंडागर्दी को फॉलो करने वाले गुंडे हैं मवाली हैं सड़क छाप है वो समझदारी वाली बात करें तो वैसे भी नहीं हो सकता तो अगर आपको कोई पसंद कर रहा और कर रहा रहा है है और फॉलो इन चीजों की वजह से तो कोई बहुत गुरूर की बात वैसे भी नहीं अब कैरी मिनाटी ने जैसे मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कैरी मिनाटी ने उसको सॉरी बोल दी बिकॉज ऑब्वियसली इस तरह के लोगों से कौन मुंह लगे मैं उदर कैरी की जगह तो इसको पुलिस तक लेके जाता पर कैरी ने अपने काम पे फोकस करना चाहा। गुड थिंग अगेन इज डूइंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स और यहाँ कैरी से बज एजाज को फायदा था कैरी को नहीं था और यहाँ कोई कोलाबोरेशन नहीं था कि कैरी एजाज के साथ कोलाबरेट करे, आपस में इंस्टाग्राम लाइव्स करे, एक स्टोरी पे दूसरी स्टोरी एक वीडियो पे दूसरा वीडियो ऐसा कुछ नहीं था कैरी के पास भुवन के पास आशीष के पास बहुत सारा काम है और आई थिंक हैक्स ऑफ टू दम एंड दे आर द कल्ट क्रिएटर्स ऑफ यूट्यूब अब आगे बढ़ते हैं उसके बाद इजाज ने youtube वार्निंग दी और लोगों को youtube क्रिएटर्स को आज कोई भी रोस नहीं करेगा मेरे पर दिल्ली से बंबई लाऊंगा मैं जितने भी यूट्यूबर हैं मेरे बारे में बोलो मैं तुमको लेके आऊंगा ये मेरा वादा है कैसे-कैसे भाई साहब अगर आप कुछ गलत करोगे और सोशल इश्यूज पे अगर कोई बात करना चाहता है या अपनी कमेंट्री देना चाहता है अपनी ओपिनियन देना चाहता है और गलत इन्फ्लुएंस को सही करना चाहता है

तो मेरी आईडी जरूर टैग करना फॉलोवर्स मुझे भी चाहिए पर उसका जवाब एजाज खान ने कुछ ऐसा बोल के दिखाया जो उसकी असलियत दिखाता था बहुत सारे और बहुत सारे कुत्ते निकल के आने ले और एक वो मेरा मेरी गर्लफ्रेंड थी पुरानी उसका बेटा भी आ रहा है वो पूरब झा अरे बेटा थोड़ा लिहाज रख बेटा मम्मी का और मेरा जरा चक्कर था उसका तो लिहाज रख समझ कर बेटा तो गालियां देना किसी माँ पे जाना ये सब दिखाता है कि इस गटर और किस गंदगी से इजाज़ जैसे लोग पैदा होते हैं और इस गटर और गंदगी को वो आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया पे उछाल रहे हैं पूरा ने बड़ा बोला कि अपनी उम्र का तगाजा देखिए जो इंटरनेट पे है वो इंटरनेट तक ही रहे ठीक है ये पर्सनल जाने वाली चीजें नहीं है सो क्या बोलूं भाई मेरे को हंसी आ रही है भाई सही इस में इस उम्र में नहीं भाई नहीं शोभा देता मत करो भाई ये चीज उसने एज कार्ड नहीं खेला उसने बोला कि अपनी उम्र का तकाजा देखिए ये चीजें तो हमें, करें हमें को नहीं, नहीं, हम करें तो तब भी था, आप क्योंकि अरे पूरब ने बिल्कुल सही कहा भी कहा कि अगर मैं करने पे आऊं तो मैं कुछ कर सकता हूँ और अब हर्ष बेनीवाल और पूरब ने दोनों ने मिलकर वही किया जो इजाज बोल रहा था

और उसको यहाँ से बहुत ऊपर उठना चाहिए पर पूरा अपने ये जो जवाब दिया ये अजाज के लेवल पे जाकर दिया बिलो द बेल्ट दिया नजाज भाई आप तो कभी दिल्ली गए नहीं नहीं गया ये मुंबई आता रहता है कहीं इसका मतलब भाई ये नहीं आप इसके बेटे हो मेरा अबू है अबू जान <laughs> अबू <अब्बु> जान <laughs> कॉमेडी में लाइंस कभी कभी ब्लर्ड हो जाती हैं और जब ये होता है ना तो फिर आप में और दूसरे में कोई फर्क नहीं रह जाता वो वही बात है ना जैसे कीचड़ में आप पैर रखते हैं तो आप पे आता है और ये कीचड़ आई बिलीव आया है आप लोगों पे दोनों पे फर्श पे और पूरा पे और अब लग रहा है उस दलदल में भी आपने पैर रखा है जहां फंस से गए हो क्योंकि ये तो चलता रहेगा आदान प्रदान मुझे लगता है ऐसे लोग जो एजाज खान जैसे हैं ऐसे लोग जो गंदे हैं गुंडे हैं उनके मुंह लगना ही नहीं चाहिए और कोई नहीं सन पा रहा अपना रोज तो उसको अवॉइड करो जैसे कैरी ने किया आई बिलीव दैट वुड बिन द बेस्ट पॉलिसी और हाँ मुझे ये भी लगता है कि ये जो ट्रेंड है गूंस को गूंस की तरह जवाब देना फाइट्स और वायलेंस की तरह एक दूसरे को धमकियां देना इंस्टाग्राम पे आके ये जो ट्रेंड सेट किया है इसके बारे में कई लोग बोलते हैं तो हमने ट्रेंड सेट किया है अरे हमने हमने लोगों को बना दिया अब हमें लग रहा है कि गलत है आपको तब भी लग रहा था आप गलत है आपको तब भी लग रहा था ये गलत है पर आप फॉलोअर्स की चाह में वो करते गए और आज जब फॉलोअर्स बटोर लिए तो आप साधु संघ बन रहे हो कोई नहीं मुझे लगता है जब जाओ तब सवेरा मुझे लगता है आज के टाइम में ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए और हर्ष और पूर्व ने जो किया पर इसके बाद आई बिलीव इस बंदे को अकेला छोड़ना चाहिए इसके कीचड़ में इसके कीचड़ में।, में आप पैर डालेंगे तो आपको इतनी ऑडियंस फॉलो करती है इतने मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं वो क्या सीखेंगे बिकॉज ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगे किसी को अपना पापा बोलना किसी की माँ पे कमेंट करना आप मजाज ने क्या करा

ये समझना चाहिए कि आप उनको इस तरह का कॉन्टेंट नहीं देना चाहिए इस ये सीन नहीं होता आई वॉज लोकेट बट नाउ आई होप दैट यू गैज आई बिलीव पब्लिकली कन्फेस एंड यू विल नॉट डू द सेम एंड टेल एल्स ऑल्सो कि आपके नक्शे कदम चल के किसी को किसी का पापा किसी की फैमिली पे जाना किसी की मदर पे जाना किसी की बहन पे जाना आई थिंक एटलीस्ट हम लोगों को ये शोभा नहीं देता गुंडे हैं वो करते हैं हमें ये शुभा नहीं देता और हमारी ऑडियंस को भी ये शोभा नहीं देता हर किसी के घर में मां बाप है और किसी के भी मां बाप पे उंगली उठाना गलत है मैं ये भी चाहता हूं कि इस तरह के एजाज खान जैसे कॉन्टेंट क्रिएटर्स को पूरा पॉइकआउट करो और इसलिए मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं ई सी जैसे एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग और उन सारे कैप्टन से जो इन टीम्स के कैप्टन हैं जो खेल रहे हैं उस टीम में जा रजत है उसके साथ या उसको अपनी टीम में शामिल किए हुए हैं मैं पूछना चाहूंगा एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग के फाउंडर से क्या इतना प्रेशर है कि आपको ये नहीं दिखता कि किसको कोई प्लेटफॉर्म देना है और किसको नहीं क्या आपके अगर घर में किसी ने ऐसा किसी बच्चे के साथ किया होता तो क्या आप उसको ये प्लेटफॉर्म देते ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा ईसीएल के फाउंडर्स से एंड आई होप दे गिव मी अ रिप्लाई बिफोर आई मोर ब्लंट क्वेश्चन मेरे सवाल का जवाब अगर आप दें तो अच्छा रहेगा मैं आकाश हूं मैं पीपो के प्लेटफॉर्म पे ब्लंट सवाल पूछता हूँ इस सवाल का जवाब मैं एक्सपेक्ट करूंगा नहीं तो पूरी कम्युनिटी है मेरी जो आपसे पूछेगी आप अगर हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं जहां हम ऐसी वायरल सोशल स्टोरीज पर टिप्पणी करते हैं वहां सही के लिए आवाज उठाते हैं किसी के साथ भी गलत हो रहा किसी कॉमन मैन के साथ गलत हो रहा है उस स्टोरी को शेयर करता है जिससे हम सबको मौका मिलता है कि उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं और हम अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को अपने डिजिटल प्रेजेंस को अच्छे से यूज कर पाएं और यह मैं करता रहूंगा और एक और बात बोलते हुए जाऊंगा मैंने एक प्रोडक्ट निकाला एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको वो मौका देगा जिसके बारे में आप सुन के हैरान हो जाएंगे आप यूट्यूब देखते हैं पर इमेजिन करिए अगर यूट्यूब देखते देखते बिना आप कॉन्टेंट पोस्ट किए बिना कोई वीडियो पोस्ट करे आप कमाना शुरू कर दें ये पॉसिबल है मैंने ऐसा मेथड बनाया है ऐसा प्रोडक्ट बनाया है और वो आप पा सकते हैं जब आप मेरे डिजिटल अथॉरिटी न्यूज लेटर को ज्वाइन करें आने वाले कुछ दिनों में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा जब आप इस न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब कर लेंगे ये मौका हाथ से जाने मत देना अपने इन्फ्लुएंस को ढंग से यूज करना अपने एक्सपर्टीज को ढंग से यूज करना और एक रेवेन्यू स्ट्रीम ऐड करना, वो चीज करके जिसको आप प्यार करते हजारों लोग कर आज की में। बहुत सारे लोगों को ये पता चला जैसीचुनिटी आर यू नहीं तो ये न्यूज डेटा का लिंक है इसको सब्सक्राइब कर ले आज अभी तुरंत देख रहे अब कुछ नहीं चुकेगा